पल पल अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि नगर निगम में लगातार भाजपा की बढ़त है और नगर पालिका की बात करें तो अब नगर निकाय चुनाव की मतगणना की 7 राउंड पूरे हो चुके हैं। प्राइम टीवी आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। 7वें और 8वें राउंड में 3388 मत के साथ भाजपा मेयर प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। लगातार प्राइम टीवी आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। सपा मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा 1744 मतों के साथ दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर 481 कांग्रेस मेयर प्रत्याशी संगीता जायसवाल आगे चल रही है। आपको बता दें कि लगातार हम पल पल की अपडेट दे रहे हैं। नगर निकाय चुनाव की मतगणना की 7 राउंड पूरे हो चुके हैं। नगर निकाय चुनाव की मतगणना में 7 राउंड पूरे हो चुके हैं। 7वें और 8वें राउंड में 3388 मत के साथ भाजपा मेयर प्रत्याशी आगे निकल रही। लगातार बीजेपी की बढ़त हो रही है। वहीं सपा मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा 1744 मतों के साथ दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर 481 कांग्रेस मेयर प्रत्याशी संगीता जायसवाल है। नगर निगम पार्षद का पहला परिणाम सामने आ चुका है। अलीगढ़ से आपको बता दें कि नगर निगम पार्षद का परिणाम सामने आ चुका है। वार्ड संख्या 67 से श्री संजय पंडित भारतीय जनता पार्टी से विजयी हुए हैं। अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, संजय पंडित भाजपा को 1451 मत मिले हैं। निर्दलीय मुकेश शर्मा 1149 मत मिले, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे चल रही है। खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ में नगर निगम पार्षद का पहला परिणाम सामने आ चुका है। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। वार्ड संख्या 67 से श्री संजय पंडित भारतीय जनता पार्टी से विजयी हुए हैं। संजय पंडित भाजपा को 1451 मत मिले हैं। संजय पंडित अलीगढ़ से पार्षद नगर निगम में जीत चुके हैं। निर्दलीय मुकेश शर्मा 1149 मत मिले हैं। कानपुर नगर निगम में बीजेपी आगे चल रही है। कानपुर नगर निगम में बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी प्रमिला पांडे आगे हैं। कानपुर से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी प्रमिला पांडे आगे हैं। कानपुर में प्रमिला पांडे 4833 वोटों से आगे हैं। 4833 वोटों से प्रमिला पांडे कानपुर में आगे चल रही है। कानपुर से बड़ी अपडेट आपको बता दें कि कानपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी प्रमिला पांडे आगे चल रही है कानपुर नगर निगम में। कानपुर से बड़ी अपडेट है, प्रमिला पांडे 4833 वोटों से आगे चल रही हैं। फतेहपुर में मतगणना के दौरान हुई झड़प, फतेहपुर से खबर सामने आ रही, जहां मतगणना के दौरान झड़प देखने को मिला है। झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मतगणना स्थल पर मीडिया के अंदर एंट्री बैन कर दी गई है। मीडिया को अंदर न जाने देने पर आक्रोश। नगर निकाय चुनाव को लेकर हम आपको पल पल के अपडेट दे रहे हैं। डीएम एसपी सहित आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए पहला रुझान सामने आ चुका है। अध्यक्ष पद के लिए सामने आया पहला रुझान। नगर निकाय चुनाव की पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बैलेट पेपर की गिनती का पहला रुझान सामने आया है। कांग्रेस प्रत्याशी सबसे आगे चल रहे हैं। बैलेट पेपर में कांग्रेस प्रत्याशी सबसे आगे चल रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी को मिले 288, सपा प्रत्याशी को 35 मत मिले हैं। बैलेट पेपर में कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी को 17 मत मिले हैं। रामपुर में स्वार विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। वहीं पर आपको बता दें कि 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के आज रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। स्वार विधानसभा से आगे निकली सपा प्रत्याशी। स्वार विधानसभा की बात करें तो सपा प्रत्याशी आगे हैं, 370 वोट से आगे हैं सपा की अनुराधा चौहान। स्वार सीट की बात करें तो 370 सीट से आगे सपा प्रत्याशी, अपना दल एसके शफीक अहमद अंसारी पीछे हुए। स्वार विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। स्वार विधानसभा से सपा प्रत्याशी आगे हैं,
वहीं विधानसभा के दो उपचुनाव का भी रिजल्ट आज सामने आ रहा है, जिसमें स्वार विधानसभा सीट पे प्रत्याशी सपा के आगे हैं, 370 वोट से आगे हैं सपा की प्रत्याशी अनुराधा चौहान। वहीं अपना इस दल के शफीक अहमद अंसारी पीछे हुए हैं। नगर पंचायत रानीगंज से भाजपा प्रत्याशी मीरा गुप्ता आगे हैं। नगर पंचायत रानीगंज से भाजपा प्रत्याशी मीरा गुप्ता आगे चल रही हैं। नगर पंचायत लालगंज से कांग्रेस अनीता द्विवेदी आगे चल रही हैं। लगातार निकाय चुनाव की पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। नगर पंचायत प्रतापगढ़ सिटी से सपा प्रत्याशी जकी आगे चल रहे हैं। निकाय चुनाव में नगर पंचायत अंतु से निर्दल प्रत्याशी संजय सिंह आगे हैं। यूपी निकाय चुनाव की लगातार हम आपको पल पल की अपडेट बता रहे हैं। बता दें कि 17 नगर सीटों में से भाजपा 16 पर आगे चल रही है। रुझानों की माने तो बसपा 1 पर है, और वहीं पर बात करें नगर पालिका में से 199 सीटों पर 120 का रुझान सामने है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 50 पर है, सपा 34 पर है। और इसी बीच हमारे साथ संवाददाता कानपुर से अनिल जुड़ेंगे, मेरठ से राजन जुड़ेंगे। अनिल, क्या कुछ कानपुर में माहौल देखने को मिल रहा है, कौन किससे आगे चल रहा है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि कानपुर में वैसे भी शुरू के रुझानों से ही भारतीय जनता पार्टी आगे रही है, लेकिन बीच में कांग्रेस की नेता आगे रही, उसके बाद फिर से जो राउंड की काउंटिंग चालू हुई थी उसमें भारतीय जनता पार्टी से प्रमिला पांडे आगे रही है और लगातार बढ़त बनाती हुई चली जा रही है। इसके अलावा लगभग जो 65 प्रत्याशियों की कुछ लोगों की लिस्ट आई है, जिसमें वार्ड नंबर वो विजयी हुए हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी, और वार्ड नंबर 2 से सपा के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। इसके अलावा लगातार काउंटिंग करते चली जा रही है, और हालांकि गर्मी का माहौल है, गर्मी के माहौल में फैसले वाली बात होगी कि किसको प्रत्याशी है। जमावड़े के साथ कुछ हिसाब से कल एक नई गाइडलाइन चालू की गई थी, गाइडलाइन कोई भी जुलूस नहीं निकालेगा, ना तो विजय निकलेगा ना तो किसी प्रकार का कोई पर अमिताभ वाजपेयी की पत्नी जो कि विधायक हैं, उनकी वाइफ वंदना वाजपेयी दूसरे नंबर पे हैं और तीसरे पे कांग्रेस से प्रत्याशी है। तो कहीं ना कहीं जो टक्कर चल रही कानपुर में बहुत नजदीकी टक्कर है, और देखने वाली बात होगी कि आज नगर निगम की सीट पर महापौर कौन बनता है। और लगातार जिस हिसाब से प्रमिला पांडे जब टिकट दिया गया था, तो अनिल हमारे साथ मेरठ से राजन जुड़े हुए हैं, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। राजन, क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है मेरठ में? देखिए, बिल्कुल 8 बजे से मतगणना हो गई और मतगणना पर हम हैं। प्राइम टीवी ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट दे रहा है अपने दर्शकों को, ग्राउंड की जो है जानकारी वो साझा कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि 8 बजे से मतगणना शुरू हुई है। फिलहाल अभी देखा जाए तो पतंग आगे चल रही है, यानी कि AIIMIM की पार्टी जो है काफी वोटों से आगे चल रही है, उसके बाद में समाजवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है, वो पीछे चल रही है। अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो खबरें सामने आई है उसके मुताबिक हम सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं। फिलहाल आधिकारिक तौर पर इस तरह की कोई खबर सामने आई है, लेकिन फिलहाल AIIMIM की पार्टी जो है वो अभी तक वोटों से, काफी वोटों से आगे चल रही है, 23 तो कुछ वोटों से चल रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये खबर हम बता रहे हैं, आधिकारिक तौर पर कोई भी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। जी अनिल, कानपुर की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने हमें लग रहा है सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार वहीं पर किया था, इतना लंबा रोड शो किया था अखिलेश यादव ने, डिंपल यादव भी वहां पर पहुंची हुई थी। जी बता दूं कि जब चुनाव का कुछ दिन चुनाव खत्म होने, चुनाव का जो प्रचार था, प्रचार खत्म होने के 2 दिन पहले डिंपल यादव कानपुर आए, प्रचार प्रसार करने आई थी और उन्होंने रोड शो भी किया था। उसके अगले दिन अखिलेश यादव ने रोड शो किया था, और जिस दिन आखिरी दिन की जो रोड शो था, कहीं ना कहीं कानपुर में सपा और भाजपा में एक भारी भिड़ंत भी हुई थी, क्योंकि जब अखिलेश यादव का रोड शो निकल रहा था, ठीक उसी के आगे भारतीय जनता पार्टी का भी रोड शो निकल रहा था, जिसमें खुद कानपुर के सतीश महाना जो कि विधानसभा अध्यक्ष है वो भी रोड शो में थे, और उसको लेके भारी झड़प भी हुई थी। इसके अलावा बता दूं कि जिस हिसाब से प्रमिला पांडे का टिकट एंड टाइम पे आखिरी समय पे फाइनल हुआ था, क्योंकि कानपुर में जो भारतीय जनता पार्टी का विवाद चल रहा था, कहीं ना कहीं वो सुर्खियों में भी था, क्योंकि जिसके मैं बता दूं कि लगभग कानपुर में सैकड़ों प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी से थे जो कि इस चीज के दावेदार थे प्रत्याशी के लिए, और लगातार जब
और बड़ी खबर एक ये भी थी कि कानपुर से जो सांसद है सतदेव पचौरी, उनकी बेटी नीतू सिंह को भी टिकट की बात चल रही थी, क्योंकि सूत्रों के माध्यम से जो खबर आ रही थी कि नीतू सिंह को टिकट दिया जा सकता है। कानपुर का ही एक ऐसा टिकट था भारत महापौर का, जो कि सबसे लेट में घोषित किया गया था, क्योंकि लगातार इसमें चीजें बदलती जा रही थी और लगातार आंकड़े ही बदलते चले आ रहे थे। और कानपुर के जब महापौर का टिकट भारतीय जनता पार्टी का फाइनल हुआ था, तो कानपुर के जो सांसद थे सतदेव पचौरी, उन्होंने भी एक बड़ी नाराजगी जताई थी कि क्योंकि उनका कहना था कि भ्रष्टाचार के मैं खिलाफ हूँ और जहां भी भ्रष्टाचार होगा मैं उसके खिलाफ हमेशा खड़ा रहूंगा। लेकिन जिस हिसाब से कानपुर में जब महापौर का टिकट प्रमिला पांडे को दिया गया, क्योंकि इससे पहले भी प्रमिला पांडे यहाँ कानपुर से महापौर थी और लगातार दूसरी बार भी उन्होंने लगातार प्रयास किया था कि उससे टिकट मिले, जब दोबारा महापौर का टिकट मिल गया तो उन्होंने फिर से जनता के बीच में गई और जनता के बीच में जाने के बाद लोगों के सामने अपनी बात रखी। और जिस हिसाब से कानपुर में व्यवस्था चल रही थी, क्योंकि कानपुर एक बहुत बड़ा गढ़ बन गया था, क्योंकि जिस हिसाब से कानपुर के जो बड़े अधिकारी बड़े नेता थे सभी लोग कानपुर में आ रहे थे, क्योंकि हर दूसरे दिन किसी ना किसी बड़े वीआईपीज का कानपुर में रैली और कानपुर में जनसभा होती है। योगी आदित्यनाथ भी चुनाव से दो दिन पहले जनसभा के बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। उसके अलावा अनंत कुमार नंदी भी लगातार कानपुर में थे और एक ही कम से कम कुछ नहीं तो जी अनिल चलते हैं राजन, क्या कुछ लग रहा है अभी तो मतगणना जारी है, रुझान जो सामने आ रहे हैं तो क्या कुछ तस्वीर में बदलाव नजर आएगा? राजन तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार प्राइम टीवी आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। बता दें कि नगर निगम में लगातार भाजपा अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। अगर वहीं नगर पालिका की बात करें तो 199 सीट में ऊपर 121 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। 52 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, सपा 32 सीटों पर है, बसपा 11 पर है, कांग्रेस 2 पर है और अन्य 24 पर है। भारतीय जनता पार्टी नगर निगम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है, भाजपा 15 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए, बसपा 1 पर आगे चल रही है। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। लखनऊ से हमारी संवाददाता सुहानी सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सुहानी, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? समाजवादी पार्टी के कार्यालय के पास हैं आप। नंदिनी, आपको बता दें कि इस वक्त हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे आज हम उपस्थित हैं और आप देख सकती है कि तरह से यहाँ पे सन्नाटे की तरह यहाँ पे कोई से दिख नहीं रहा, आप मंत्री चाहे जो भी, लेकिन आपको बता दें कि निकाय चुनाव का जो परिणाम आज जनता अपना देख चुकी है और सभी प्रत्याशियों का जो है अपना फैसला भी कर चुकी है जनता, उनका साफ इस पर पार्टियों का जो साफ दाव पे लगा हुआ है इस पर देख सकते हैं कि जो बीजेपी है वो हर जगह अपनी बढ़त बनाई हुई जिस पर दिख रही है, वही सपा भी कुछ हद तक भी बनाई हुई है। और वही बता दें कि जो नगर निगम में है, जो नगर निगम में जो भाजपा है वो अपनी 17 सीटों पर 16 सीटों पर बढ़त बनाई, वही उसमें बसपा 2 सीटों पर अपनी बनाई हुई है। और वही आपको बता दें सपा से बात करें तो सपा अभी नगर निगम में उनका एक भी बढ़त नहीं है, वही नगर पालिका नगर पंचायत में अपनी जो लीड बना रही है उसके बीजेपी से टक्कर दे रही है, तमाम ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। वही आपको बता दें कि सपा की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इस बार कम दिखाई देती हुई है और बसपा उससे लीड कर रही है, तो इस तरह से जो रुझान आते हुए दिख रहा है अभी अब आपको कुछ ही मिनटों में दिख जाएगा कि इस बार जो निकाय चुनाव का जो ताज किसकी सर पे बजने वाला है। तो ऐसी जो तमाम जो चीजें हैं वो दिखाई देती हुई आ रही है। बसपा की बताए बसपा की बात करें तो जो बसपा है वो आपको देख सकती है कि 365 चुनाव मुद्दे में रहती है और फिर इस बार बढ़त बनाते हुए वो दिख रही है, क्योंकि साफ तौर पर दिख रहा है कि जो बसपा है वो पूरी तरह से लीड करती हुई हर अपनी सीट पे दिखाई दे रही है। जी नहीं जी सुहानी, देखिए नगर निगम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी उसमें आगे ही चल रही है, नगर पालिका में भी सपा कहीं ना कहीं पीछे ही है। जी नमी, वही आपको बता रहे हैं कि जो सपा है आपको इस बार कहा जा रहा था कि शिवपाल जो चाचा के साथ मिलकर इस बार जो निकाय चुनाव की पूरी तैयारी कर रणनीति बना रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बार उनके पूरा उनका कहना था कि इस बार निकाय चुनाव पता करेंगे, लेकिन ये देखने का परिणाम देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार भी पिछले बार 2017 में भी यही देखने को मिला था और इस बार भी कहीं ना कहीं सपा जो पीछे दिखे उस तरह से लीड नहीं कर पाई जिस तरह से उनका अखिलेश यादव आगे खड़े थे, क्योंकि कहा जाता है कि जनता जो है अपनी जो प्रतिनिधि होते जो अपनी जो उनके प्रत्याशी होते हैं कहीं ना कहीं उनको उनको मैदान में देखना चाहती है। वही दूसरी तरफ जो भाजपा की बात करें तो भाजपा जो है पूरी तरह से 365 दिन पूरे अपने चुनावी मैदान और रैलियों में रहती है और वही जो सपा की बात करें सपा जनता का साफ तौर पर कहना है कि सपा जो है वो सिर्फ चुनावी की टीम आके लोगों से मिलती है और यही सब चीजें जो है जो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। बात करें तो उनका साफ तौर पर कल वो
उन्होंने भाजपा पे विरोध भी जताया था, उनसे आरोप भी लगाया था कि इस बार जो निकाय चुनाव में बहुत बड़ा धांधली हुआ है, पहले ईवीएम का जो विरोध बताया था और इस बार जो उनको साफ तक उनका कहना है कि इस बार जो नया परिसीमन हुआ था उसके नए वार्ड के जो लोग थे उनका नाम नहीं जुड़ा था और इस बार भी कहीं ना कहीं जो भाजपा अधिकारियों का दबाव डाल के उनका नाम हटवा के और कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में बड़ी बड़ी धांधली हुआ है। तो हर बार का अखिलेश सिंह यादव का यही कहना है कि भाजपा अपने अधिकार से, अपने गुंडागर्दी से या अपने भ्रष्टाचार से करके हर चुनाव में धांधली करती है। जी मंजू सुहानी, आप समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर है, वहां पर क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? लेकिन देखिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर बताई जा रही थी इस बार, लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बहुत पीछे है, क्या चूक हो गई है? जी नंदी, वही आपको हम बता रहे हैं कि इस बार जो अखिलेश यादव जो हुंकार भरे थे उनका साफ तौर पर कहना है कि तथा शिवपाल के साथ मिलकर हम इस बार पता करेंगे। यहाँ तक वो 2024 के लोक चुनाव का भी बोल दिए थे कि इस बार पता करेंगे, क्योंकि तथा शिवपाल की एक रणनीति देखने को मिल रही थी, लेकिन कहीं भी ये रणनीति इस बार देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जो 2017 का परिवार था वही आप इस बार भी देख सकती है, क्योंकि इस बार कोई भी बढ़त देखने को नहीं मिल रहा है। आप बता दें नगर निगम में भी वही पूरा क्लीन स्वीप करने के लिए भाजपा दावा कर रही है, क्योंकि अब सब साफ तौर पर देख सकती है कि 17 में से 16 सीटों पर आगे निकल रही है। वही नगर पालिका नगर पंचायत में भी कहीं ना कहीं पीछे दिख रही है सपा, वैसे अब बता दें इससे ज्यादा जो थी इस बार सपा खास दाव लगाई थी मुस्लिम और ब्राह्मण सीटों पे, तो कहीं ना कहीं इनका एक अलग एजेंडा देखने को मिल रहा था, क्योंकि खास तौर पर कहा जा रहा था कि जो मुस्लिम वोट है वो कहीं ना कहीं सपा को इस बार बढ़त लाएगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस बार जो बीजेपी है वो जातिवाद चलती है, लेकिन इस बार साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो सपा है उसमें वो भी जातिवाद का खेल खेली और उसको लगा था कि निकाय चुनाव में बढ़त बनाएंगे, लेकिन नहीं, कहीं भी ऐसा देखने को परिवार नहीं मिल रहा है। और साफ तौर पर देख सकती है कि किस प्रकार से हर सीट पे हर जगह वो अपनी ही जो अपनी ही क्षेत्र है वहां भी उनके कम ही बढ़त देखने को मिल रहा है, तो ऐसी तमाम जो चीजें हम देख रहे हैं सपा इस बार बढ़त देखने को नहीं मिला, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एक सपा के लिए नुकसानदायक, क्योंकि अगला जो लोकसभा चुनाव है ये निकाय चुनाव उसके लिए एक लिटमस पेपर माना जा रहा था, लेकिन जब इसमें बढ़त नहीं बना रही तो लोकसभा का क्या होगा वो तो आगे देखा जाएगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में आप ये भी देख लेंगे कि इस बार निकाय चुनाव का जो ताज है वो किस पे सजने वाला है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छोटे कार्यकर्ता से लेकर मंत्री तक ने प्रचार प्रसार किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद एक एक दिन में कई कई जनसभाएं की, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को उसी का लाभ मिल रहा है? जी नंदी, साफ तौर पर आप देख सकती हैं कि जो बीजेपी के छोटे जो प्रत्याशी से लेके नेता से लेके बड़े नेता आपको साफ तौर पर देख चुके कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेके उप मुख्यमंत्री तमाम जो है कि हर दिन 365 दिन आपको जब से निकाय चुनाव हुआ उससे पहले से वो लगातार रैली करते बैठकें करते थे, तमाम दौरे करते थे, लेकिन वही जो सपा की बात करें तो उन्होंने भी दौरा किया, लेकिन कुछ जैसे जनता हो उसको साफ तौर पर देख सकती है, उनका कहना है कि जो बीजेपी है वो पूरे साल जो 365 दिन अपने निकाय चुनाव की तैयारी करती रही थी, जनता की सेवा करती, लेकिन वही बात करें सपा अखिलेश यादव की तो उन्होंने साफ तौर पर उनका कहना है कि ये चुनावी के दिन में ये दिखने को मिलते हैं ना कि कभी हम, इसलिए तमाम जो चीजें हैं जैसे बीजेपी को इसलिए कहीं ना कहीं और भी जनता पसंद करती है, हर समय वो बढ़त अपनी बनाई रहती है, तो ये सब चीजें ज्यादा जनता जो है वो देखती है और इसी पे अपना फैसला सुनाती है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिले कि कहा जा सकता है कि सपा को और भी जनता के बीच में जाकर दौरा करने से उनसे बात करना चाहिए, सिर्फ हुंकार भरने से और बातें करने से जनता सरकार में नहीं आ। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुहानी। तो प्राइम टीवी लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहा है, निकाय चुनाव के रुझानों को आपको दिखा रहा है। आपकी बात बता दें कि नगर निगम चुनाव में भाजपा भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे चल रही है, वहीं नगर पालिका में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी नगर पालिका में आगे ही चल रही है। नगर निगम की बात करें तो 15 सीटों पर जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, वहीं एक सीट पर बसपा का जो है रुझान सामने आया है वो लगातार आगे चल रही है। तो नगर पालिका में 199 में सीटों में से 127 सीटों का रुझान सामने आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़त नजर करती हुई आ रही है। बने रहिएगा हमारे साथ, पल पल के अपडेट हम आपको नगर निकाय चुनाव को लेकर देते रहेंगे। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।